शांतनु, भरतवंशी शांतनु, ये तुमने क्या हो जाने दिया? अपने वर्तमान के लिए हस्तिनापुर के भविष्य को दांव पर लगा दिया। पिता महाराज, पिता महाराज, भीष्म, भीष्म, भीष्म। चिंता की ये रेखाएं पिता के माथे पर हैं या राजा के माथे पर? दोनों के माथे पर। तो पहले मैं पिता से पूछूं या राजा से? पहले तुम उस निर्बल व्यक्ति से पूछो जो न पिता बन सका न राजा, दोनों का मान न रख सका, जिसने पिता और राजा दोनों को ही विवश कर दिया। पिता महाराज, मैं कैसा पिता हूं पुत्र कि जिसने अपनी प्रेम तृष्णा में विवश होकर तुम जैसे आदर्श पुत्र के जीवन को एक अनंत मृग तृष्णा में धकेल दिया? और कैसा राजा हूं मैं कि एक योग्य युवराज को उसके पद से हटाकर हस्तिनापुर का भविष्य एक ऐसे बालक के हाथ में सौंप दिया जिसका कि अभी जन्म भी नहीं हुआ और जिसके बारे में कोई यह भी नहीं कह सकता कि आगे चलकर वो इस राजगद्दी के योग्य होगा भी या नहीं? ऐसा करके मैंने अपने पूर्वजों का घोर अपमान किया है पुत्र, घोर अपमान किया है। अपने हृदय पर यह बोझ ना डालिए पिता महाराज, ना डालिए। यदि आपने मुझे वो प्रतिज्ञा करने का आदेश दिया होता तब आपका यूं सोचना ठीक होता, परंतु यह प्रतिज्ञा भी मेरी है और इसका परिणाम भी मेरा ही है, केवल मेरा। पिता महाराज, मैंने ये शपथ इसलिए ली पिता महाराज कि सदा पिता ही पुत्र के लिए बलिदान क्यों दे? क्या पुत्र का कोई कर्तव्य नहीं होता? क्या मेरे लिए आपके आनंद का कोई अर्थ नहीं? मेरे लिए आपके हृदय की गद्दी हस्तिनापुर की राजगद्दी से कहीं अधिक मूल्यवान है पिता महाराज। फिर भी पुत्र। फिर भी क्या पिता महाराज? यदि तुम्हारा होने वाला भाई इस राजगद्दी के योग्य न निकला तब क्या होगा पुत्र? तो जो वचन मैंने हस्तिनापुर को दिया है वही वचन आज मैं आपको भी देता हूं पिता महाराज, कि जीवन भर कुरुवंश और हस्तिनापुर के इस राज सिंहासन की सेवा और रक्षा करूंगा और इसके सिवा मेरे जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं होगा। और जब तक मैं इन्हें देख लूं कि कुरुराज जब चहूं ओर से सुरक्षित है और उसे मेरी सेवा की कोई और आवश्यकता नहीं है तब तक मैं जीऊंगा और इस मृत्युलोक को नहीं त्यागूंगा। तुम जैसा पुत्र लोक और परलोक दोनों में धन्य है। और अब मुझे एक विनती करने की आज्ञा है पिता महाराज। कहो पुत्र। राजा का यूं अकेला और उदास रहना उचित नहीं है महाराज। यदि राजा का मन भटकेगा तो यह राजनीति भी भटक जाएगी, क्योंकि राजनीति तो राजा ही की उंगली थाम कर आगे बढ़ती है। मेरे अहो भाग्य कि आप मेरे यहां पधारे, पर मुझे बुलवा लिया होता? जिस कुल में तुम जैसा आदर्श जन्मा हो उस कुल का गुरु होना तो स्वयं बृहस्पति के लिए भी मान की बात है। मैं आ गया तो क्या हुआ, इस राजभवन में तो सारे देवी देवता आने वाले हैं। क्या यह देखने के लिए कि मैंने हस्तिनापुर के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया, कि वो भीष्म जिसे संसार अजय कहता है स्वयं अपने पितृ मोह से हार गया? अपनी भाग्य रेखा को मिटाने का प्रयत्न न करो कुमार, तुम कर्म योगी हो
अपने कर्म किए जाओ। पता नहीं वर्तमान तुम्हें किस भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। अब तो आप भी जा रहे हैं। पहले मन उलझता था तो आपके पास चला आया करता था, और आपकी सहायता से मन की गांठें खोल लिया करता था, पर अब कहां जाऊंगा। इसीलिए तो कृपाचार्य को मैं तुम्हारे पास लाया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के पश्चात कुलगुरु का स्थान इन्हें दे दिया जाए। वैसे भी ऋषि शरद्वान का यह पुत्र मेरे शिष्य के साथ साथ मेरे पास महाराज की धरोहर भी है। महाराज तो अपनी मौन की गुफा में हैं, मैं उस गुफा तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए अपने पिताश्री की इस धरोहर को तुम संभालो और इस ज्ञानदीप को अपनी सुरक्षा की आड़ दे दो। ज्ञानदीप को आड़ की आवश्यकता होती नहीं राजगुरु, पर आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मुझे अपना मित्र मानकर सम्मानित कीजिए आचार्य। आपकी एक बहन भी तो है आचार्य। हाँ कृपी, उसका विवाह हो गया। किससे? द्रोणाचार्य से। तब तो द्रोणाचार्य हमारे संबंधी हो गए। जो मेरा बालपन लौट आए तो मैं धनुर्विद्या उन्हीं से सीखूं। ये तुम्हारी नम्रता है कुमार। नहीं कुलगुरु, जिनके पास ब्रह्मास्त्र होता है वो तो आदरणीय होते ही हैं। ये तो मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं अपना ये जन्म उनके युग में बिता रहा हूं। और ये हम सबका सौभाग्य है कि भगवान ने हमें आपके युग में जीने का अवसर दिया। ब्राह्मण हो, आशीर्वाद मांग नहीं सकते, आशीर्वाद दे तो सकते हो। इन्हें आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है गुरुदेव, ये तो स्वयं ही भगवान के आशीर्वाद स्वरूप हैं। मांगो कुमार, क्या आशीर्वाद दूं? बस यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं पिताश्री की उस मौन गुफा में प्रवेश कर सकूं जिसमें कुल गुरु भी न कर पाए। पिताश्री का मौन एक गरुड़ की भांति हस्तिनापुर के कंधे पर बैठा उसके सिर पर चोंच मार रहा है, ठोर मार रहा है।